हमारी सब्सक्राइबर हैं रुक्मणी, ये पूछती हैं कि सर मेरी शादी से मेरी घर वाले बहुत परेशान हैं और मेरी शादी हमेशा टूट रही है, कौन सा रुद्राक्ष लेने से ठीक होगा? मतलब शादी हो नहीं पा रही है, जहाँ भी रिश्ते बनते हैं वहाँ टूट जाते हैं, ये किस स्थिति में होता है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए इसके लिए? मैं हूँ विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, वाइड स्पिरिचुअल चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। देखिए ऐसा है कि शादी वाले घर में यदि मंगल बैठा हो या मंगल की दृष्टि हो या राहु बैठा है या राहु की दृष्टि हो, तो ये क्या करेगा, शादी होने ही नहीं देगा, देरी करेगा। मंगल का प्रभाव से शादी में देरी हो जाती है, राहु के प्रभाव से शादियां टूट जाती हैं। मतलब जहां भी रिश्ते बनते रहेंगे, बातचीत चलती रहेगी, एकदम तो लास्ट स्टेज तक तो आ जाता है, अचानक लड़की वाले बोल देंगे, लड़के वाले बोल देंगे भाई शादी नहीं होनी है, यही आपके साथ में हो रहा होगा। यदि मंगल और राहु का इशू नहीं है और क्या इशू ऐसा हो सकता है, क्योंकि साधारण तो जनरली 90% केस में तो यही होता है कि या तो मंगल या तो राहु या दोनों का कुछ प्रभाव होगा शादी वाले घर पे जो ऐसा हो रहा है। कई बार ये भी देखा गया, बहुत कम केस में, 10% की बात कर रहा हूं मैं, कि मंगल राहु का इशू नहीं होता है फिर भी शादी नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? जहां लड़की को लड़का देखने आता है या लड़का को लड़की देखने जाता है, तो लड़का या लड़की में जो शुक्र का ग्रह जो है ये बहुत कम पावर का होगा या शुक्र अगेंस्ट में होगा, तो क्या होता है कि एक आकर्षण पैदा नहीं होता है, तो लड़का या तो लड़की को लाइक नहीं करेगा, लड़की लड़का को लाइक नहीं करेगी, शादी होगी नहीं। और एक चीज वैसी होती है कि बुध ग्रह यदि चार्ट आपका अच्छे नहीं है तो क्या होता है कि आप गलत आदमियों से, गलत लोगों से संपर्क बना लेते हैं जहां से आपको दुख मिलता है, तो आपके मन में डर बैठ जाता है। तो जिससे भी आप शादी की बात चलाते हैं या बातचीत करते हैं या डेटिंग करते हैं, तो आपके अंदर में एक भय रहता है कि यही दोबारा होने वाला है। डर के मारे भी बहुत लोग कमिट नहीं करते हैं, कमिटमेंट नहीं होती है, तो वो कोई बहाना बना देंगे, भाई शादी नहीं करनी है मुझे, ये लड़का पसंद नहीं हुआ या लड़की पसंद नहीं आई या घर में ऐसे कुछ खोट है, ये है वो है, बहाना बना देते हैं, भागने की बात है, एस्केपिज्म बोल सकता हूँ मैं। और भी कारण ऐसा हो सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो लेकिन शनि आपके चार्ट में अच्छा नहीं हो। तो शनि का स्थान यहाँ होता है पिनियन ग्लैंड में होता है, जो कि दूरदृष्टि फोरसाइटनेस की बातें होती हैं। तो शनि ठीक नहीं होगा तो आप सोच नहीं पाते कि यहाँ शादी करने से मुझे अच्छा है या बुरा है, निर्णय नहीं ले पाते हैं। भविष्य के बारे में निर्णय लेने के लिए आपका थर्ड आई ठीक होना जरूरी है। जब थर्ड आई ठीक नहीं होगा, निर्णय नहीं लेगा तो गलत भी हो सकता है, पर दुख पाते हैं। तो शनि भी कारण हो सकता है कि शादी हो नहीं पा रही है, क्योंकि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आप सोच नहीं पा रहे, सोचते 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 एकदम उम्र गुजर जाती है और कुछ होता नहीं। तो इस क्षेत्र में क्या करना चाहिए आपको, चार्ट को एनालाइज कर देखना चाहिए कि सबसे पहले तो ये देखने कि मंगल राहु का इशू है क्या। यदि ऐसा इशू है तो मंगल के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे और राहु के लिए 9 मुखी धारण करेंगे। यदि बुध के लिए समस्या पैदा हो रही है तो आपको 15 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, 15 मुखी रुद्राक्ष फॉर मर्क्यूरी। और यदि शनि के लिए ऐसा हो रहा है तो आपको पहनना चाहिए 17 मुखी रुद्राक्ष। ये 4 स्वभावतः कारण होते हैं। सो टू समराइज दिस, यदि मार्स के लिए है तो 6 मुखी रुद्राक्ष फॉर मार्स, एंड इफ इट इज हैपनिंग फॉर द राहु देन इट्स 9 मुखी रुद्राक्ष, और मर्क्यूरी बुध ग्रह जो बताया मैंने आपको, फॉर द मर्क्यूरी 15 मुखी रुद्राक्ष, एंड फॉर सैटर्न शनि 17 मुखी रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष खरीदने के लिए हमारे ऑनलाइन स्टोर है जो ऊपर दिए हुए हैं santoshsharma.com, वहाँ से खरीद सकते हैं। अगर कोई शंका है, आप परामर्श लेना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करके आपको मेरा आपका नाम, जन्म समय, जन्म तारीख आदि सब भेजिएगा, फिर आपको गाइड करेंगे किस प्रकार से आप पेड कंसल्टेशन कर सकते हैं। अगले वीडियो में और कोई सवाल आपको तरफ भेजा हुआ उसको लेकर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के आज्ञा दीजिए मुझे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।